तो आपको सीधे ले चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की पीसी में। गुजरात और दिल्ली जहां सबसे ज्यादा केस है, तो क्या इन केस में आप कांटेक्ट ट्रेसिंग कर पा रहे हैं या सोर्स ट्रेसिंग कर पा रहे हैं? क्या ये आउटब्रेक है या फिर ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या क्या है? क्या वजह है कि इतनी सारी केसेस आ रहे हैं? सेकेंड क्वेश्चन मेरा रिसर्च से रिलेटेड है कि जो टेस्टिंग किट है जो भारत में भी बना रहा है, सीएसआईआर डेवलप कर रहा है, वो कब तक आ जाएगा? और ये जो रैपिड टेस्टिंग किट की बात हो रही थी उस पे सर्विलांस में कितना मदद मिलेगा अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो? सर, जैसे हम सब लोगों को अवगत है कि कुछ स्टेट्स में लास्ट पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें ताकि हम उन केसेस की उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाएं, जिसके लिए जरूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हों और साथ में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने बताए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग उसका फील्ड लेवल पर प्रॉपर तरीके से पालन हो। विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एंड रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक से संबंधित उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आई थी तो उसके साथ ही आईसीएमआर ने उसको एग्जामिन किया और उसको एग्जामिन करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इश्यू करेंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन है, इज द होम मिनिस्ट्री कंसिडरिंग टू ओपन रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट कॉर्नर्स, ईटरीज, स्वीट शॉप्स एटसेट्रा इन जून फर्स्ट हाफ इन ए ग्रेडेड मैनर? दिस इज फ्रॉम संडे गार्डियन, नवतन कुमार। I think it is too early to comment on this. Okay. Mr. Pranay Upadhyay, ABP News. सर, आप लोग समय समय पे ये मैथमेटिकल मॉडलिंग और असेसमेंट करते रहे हैं कि नंबर कितना हो सकता है, किस तरीके से ग्रोथ रेट होगा। जो जून और जुलाई में पीक की बात की जा रही है, तो आपका मौजूदा आकलन इस समय क्या है कि कितने तक नंबर जा सकता है? और आज अगर करीब करीब 3,500 के केसेस रोज आ रहे हैं तो हम कितने केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर पीक जून जुलाई में आता है तो? और इसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में लोग जो इस चीज को लेकर चिंतित हैं, तो क्या आप उन्हें सलाह देंगे कि जब पीक आएगा तो इससे ज्यादा क्या कॉशन और लिया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा होम मिनिस्ट्री से है कि जिस तरीके की औरंगाबाद में घटना हुई है, मजदूर जो है रेलवे की पटरी पे मारे गए हैं, इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ रिवाइज गाइडलाइंस दी गई हैं कि मजदूरों तक ये कम्युनिकेशन जाए कि रेल में ट्रेनें चल रही हैं इसलिए वो पटरियों पर पैदल न चलें? तो पहले प्रश्न के जवाब में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीक हम किस विषय में बात कर रहे हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं, और जितना आप डिफरेंट टाइप के एनालिसिस इस टाइम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो कुछ हजार से लेकर कई करोड़ तक केसेस का आकलन उन्होंने प्रोजेक्शन में दिया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम कोई एनालिसिस करना चाहें उस केस में, उसके वेरिएबल्स इस टाइम इतने ज्यादा हैं कि उसके कारण से ही जो ये फिगर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं वो इतनी ज्यादा होती हैं, इतनी वाइडली वेरिंग होती है कि उसके बेसिस पर एक फील्ड एक्शन को डिटरमिन करना आई थिंक इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। तो उसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, हम ये आइडेंटिफाई करें कि आज हमारे केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा प्रेजेंट आकलन जिसको हम चाहे ग्रोथ रेट ऑफ केसेस बोल सकते हैं या हम उसको डबलिंग रेट बोल सकते हैं जो उसका इन्वर्स है, यानी कि कितने दिन में केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम पा ही रहे हैं कि जैसे करीब 10 दिनों में हमारा आज डबलिंग रेट नोट किया जा रहा है, और उससे लिंक इश्यू ये है कि अगर हम एक पर्टिकुलर डबलिंग रेट नोट करते हैं तब हम ये एनालिसिस करना जरूरी है कि किन पर्टिकुलर प्रांतों में, किन जिलों में या किन सिटीज में वह रेट जो है वो उससे ज्यादा है, या उस रेट के संबंधित हमारी गाइडलाइंस के तहत वहां पर कुछ और एडिशनल एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो जब हमारा ये आकलन होता है तो हमारा पूरा एफर्ट ये होता है कि कैसे हम अपने डबलिंग रेट को और बढ़ाएं, कैसे उनकी दिनों की बढ़ोतरी हो, और उसी के कंसर्न इफेक्ट में आप पाते हैं कि हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे अभी आपने मुंबई के बारे में जिक्र किया, उसी तरीके से हम स्टेट से रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ मिलकर प्लान करते हैं कि कैसे हम उन केसेस की संख्या को कम कर सकें, जिसमें हमारा मेजर एफर्ट प्राइमरीली होता है कि हम कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। इसमें यह समझने की तो स्वास्थ्य मंत्रालय की यहाँ पर पीसी चल रही थी और पूरे प्रदेश भर के क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ तैयारी की जा रही है, उसको लेकर वे अपनी बात यहाँ पर रखी जा रही थी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से।